ओम ज्ञानतिमिरांध्यज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद्गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 12। तो इस श्लोक पे हमने कल भी डिस्कस किया था, जैसे कि आप लोग को याद होगा। भगवान श्लोक बोल रहे, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। तो श्लोक संख्या 11 में जब अर्जुन को भगवान थोड़ा सा डांट लगाते हैं और बताते हैं कि जो असली पंडित व्यक्ति होता है वो ना तो मृत के लिए ना ही जीवित के लिए शोक करता है, तो प्रश्न उठता है कि फिर ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा, कौन सा उसके पास ज्ञान होता है जिसके कारण वो जो है असोच्यान अनुसूचन गतासून अगतासून च नानुसूचन थे पंडिता। या तो जीवित व्यक्ति है तो मृत व्यक्ति है, दोनों ही कंडीशन में वो शोक नहीं करता है। जो क्योंकि जो पंडित असली पंडित व्यक्ति होता है वो भली भांति जानता है, क्या जानता है, भगवान श्लोक में बता रहे हैं, न तो एवाहम जातुनासम न तुम नहीं मैं जनाधिपा, ना तो मैं अर्जुन, मैं ना ही तुम, ना ही जितने भी राजा लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इनका कभी नाश होता है। ये भूतकाल में भी इंडिविजुअल थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी ये इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी बने रहेंगे। उस प्रकार से जो मायावाद सिद्धांत है उसका भी खंडन भगवान इस श्लोक के माध्यम से करते हैं। तो आज हम लोग इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से, नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू नॉर ऑल दीज किंग्स नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। कि ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं तुम और ये सारे राजा लोग अस्तित्व में नहीं हो, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि मैं तुम और ये सारे राजा लोग एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी हमेशा जो है हर जीव जो है अपने इंडिविजुअलिटी को, व्यक्तिगत रूप को बरकरार करके सनातन काल से रहेगा। इन द वेदास इन द कठा उपनिषद एज वेल एज इन द स्वेता स्वतर उपनिषद इट इज सेड दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द मेंटेनर ऑफ इननंबरेबल लिविंग एंटिटीज in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. That Supreme Personality of Godhead is also, by His plenary portions, alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. This prakar se Shvetas Upanishad or Katha Upanishad वर्णन है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां युगि विधाति कामां तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेत्रशाम। जो जो भी व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि नित्यो नित्यानां कि बहुत सारे लोग हैं जो तो सनातन है, बहुत सारे सनातन जीवात्माएं हैं, और नित्यानां नित्यानां मतलब एक और सनातन आत्मा है जिसको परमात्मा के नाम से जानते हैं, चेतनस चेतना नाम कि बहुत सारे चेतन आत्माएं हैं और साथ में एक और चेतन आत्मा है जिसको परमात्मा जानते हैं। वो जो एक परमात्मा जो कि नित्य और चेतन है, बहु नाम योगी विधाति कामान जो बहुत सारे नित्य और चेतन हैं उनको क्या करती है, उनके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तम आत्मस्थम या अनुपश्यन्ति धीरा इस प्रकार से अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर स्थित करके जो लोग जो धीरा अनुपश्यन्ति धीरा धीरा मतलब जो परफेक्ट नॉलेज को रखते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं
तेषां शांति शाश्वती न तेषां, उन्हीं को जो परफेक्ट पीस शांति है इसकी प्राप्ति होती है। ये कठा उपनिषद का 2.2.13 नंबर का श्लोक है। तो इस श्लोक के माध्यम से प्रमाणित होता है, ये श्लोक प्रमाणित करता है कि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के नित्य और चेतन आत्माओं के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। यानी दो मतलब, इसका मतलब यहाँ पे द्वैत द्वैत ज्ञान है, यानी सब कुछ एक नहीं है। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो लोग उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, उपनिषद मानते हैं कि उपनिषद का ही वाक्य है, इसमें साफ साफ एक क्लियर तरीके से वर्णन किया जा रहा है, जिस चीज को भगवान गीता में यहाँ पे इस 12 नंबर श्लोक में भी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान स्वयं और जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भी अपने इंडिविजुअल रूप में, व्यक्तिगत रूप में हमेशा अस्तित्व में रहते हैं और भगवान। लेकिन अंतर क्या है, सारी जीवात्माएं भी नित्य हैं, सनातन हैं और चेतन हैं। चेतन मतलब कॉन्शियस हैं, यानी उनमें लाइफ है, जीवन है, जीवित है। तो जो जीवन है ये शरीर का लक्षण नहीं है, जीवन किसका लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही जो है जीवन प्रतीत होता है, और आत्मा कैसी है, नित्य है। तो इस कठोपनिषद में इस बात का वर्णन है कि सारी जीवात्माएं भी नित्य हैं और चेतन हैं, और साथ ही साथ में एक जो सुप्रीम यानी जो परम आत्मा है, जिसको परमात्मा या परमेश्वर बोलते हैं, वो भी नित्य है और चेतन है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, ये तो समानता हो गई। तो इस उपनिषद में समानता और अंतर दोनों के बारे में व्याख्या किया जा रहा है। समानता क्या क्या है कि जीवात्माएं भी नित्य है और चेतन है, और भगवान भी नित्य है, सनातन है और चेतन है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर है एको बहुनाम यो विद्राति कामान। ये है कि वो जो एक सनातन और चेतन परमात्मा है, वो एक आत्मा अन्य असंख्य आत्माओं को जो कि सनातन है और चेतन है उनका पालन पोषण करते हैं। ये अंतर है। इसका मतलब डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है कि जो बाकी अनंत जीवात्माएं हैं वो निर्भर हैं एक सनातन और चेतन आत्मा, जिनको परमात्मा, इसलिए उनको परमात्मा के नाम से जाना जाता है। परमात्मा क्यों, परम मतलब सुप्रीम, यह परम मतलब कि जो हर प्रकार से नियंत्रण करते हैं। तो बाकी सारी आत्माएं क्या, उन पर निर्भर हैं और वो उनका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, इसलिए इस श्लोक के माध्यम से, ये जो कठा उपनिषद का श्लोक है और यही सेम श्लोक गीता में भगवान इस श्लोक में भी बोल रहे हैं, इसलिए गीता को भी गीता उपनिषद बोला जा रहा है। उपनिषद के माध्यम से ये प्रमाणित होता है कि भगवान में और जीवात्माओं में अंतर भी है, साइमल्टेनियसली एक ही साथ समानता भी है और अंतर भी है। और इस बात को जो जानता है, ऐसे जो अनुपश्यंती धीरा, धीरा मतलब जो वास्तविक ज्ञान को समझने वाले लोग हैं, जो वास्तविक रूप में जानते हैं, वास्तविक स्थिति को जानते हैं कि तो किस प्रकार से भगवान में और जीवात्माओं में समानता भी है लेकिन अंतर भी है। जिस प्रकार से समुद्र, समुद्र की एक बूंद, उनमें समानता भी है और अंतर भी है। समानता क्या है कि जो जो गुण विद्यमान है समुद्र में, वो सारे गुण उस समुद्र के एक बूंद में भी विद्यमान होते हैं। लेकिन अंतर क्या है, समुद्र विशाल है और बूंद जो है अणु होता है, कम होता है। यानी बूंद जो है एक पार्ट है, अंश है समुद्र का और समुद्र पर निर्भर है। उसी प्रकार से दूसरा अंतर दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है विशाल अग्नि का और स्पार्क का, चिंगारी का। तो जो चिंगारी है और अग्नि है दोनों में समानता है, दोनों में ही उष्मा है और रोशनी है। लेकिन जो चिंगारी है वो अग्नि पे निर्भर है, वो अग्नि के समान नहीं है पूरी तरफ से, अग्नि के द्वारा ही वो जो है अपने अस्तित्व को बना के रख सकती है, इसको इसी को बोलते हैं निर्भरता। उसी प्रकार से जो परमात्मा है वो उस विशाल अग्नि के समान है, जिसपे चिंगारी रूपी जो आत्मा है वो निर्भर होती है और उनपे आश्रित होती है, और उसका अस्तित्व उनपे ही निर्भर करता है। इस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तीसरा एक उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य और सूर्य की किरणें, तो सूर्य और सूर्य की किरणों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। क्यों, क्योंकि सूर्य का जो क्वालिटी है, गुण है, वो क्या है, रोशनी और उष्मा देना। उसी प्रकार से सूर्य की जो किरणें होती है उसमें भी रोशनी और उष्मा पाई जाती है। तो इस गुण के हिसाब से देखें तो सूर्य और सूर्य की किरणों में समानता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि सूर्य सूर्य की किरणें दोनों में ही उष्मा और रोशनी होता है, इसलिए सूर्य की किरणें भी सूर्य बन गई। जब किसी के घर में
खिड़की से सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तो वो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि सूर्य देवता आ गए, सूर्य आ चुके हैं साक्षात, नहीं, सूर्य अलग है। तो अंतर भी ऐसी इसी तरह से साइमल्टेनियसली एक ही समय पे दोनों में समानता भी है और अंतर भी है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि समानता किस एस्पेक्ट में है और अंतर किस किस एस्पेक्ट में है। समानता है उनके गुणवत्ता के हिसाब से, दोनों ही सुपीरियर है, इस बात में समानता है, और अंतर है उनके क्वांटिटी, शक्ति के हिसाब से या निर्भरता के हिसाब से अंतर भी होता है। सूर्य की किरणें जिस प्रकार से सूर्य के समान है, जब हम रोशनी और उष्मा की बात करते हैं तो दोनों में ही रोशनी है और दोनों में ही उष्मा है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। जब हम बात करते हैं उनके अस्तित्व या निर्भरता के बारे में, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सूर्य पे निर्भर होती हैं, सूर्य पे आश्रित होती हैं, और सूर्य के तुलना में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो नगण्य होती हैं, ये अंतर भी है। उसी प्रकार से परमात्मा और आत्मा में समानता भी है और अंतर भी है। समानता क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों का गुण जो है एक ही है, सच्चिदानंद है, स्वरूप है, दोनों ही आध्यात्मिक वस्तु है, दोनों ही सनातन है, दोनों ही चेतन है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। केवल अगर कोई समानता को ही लेके अगर ये सोचेगा कि आत्मा परमात्मा सेम हो गया, हम भी परमात्मा है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो ये गलत धारणा है। उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि उसके घर पे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हैं और वो बोले कि मेरे घर में सूर्य आ गए, तो ये उसी प्रकार से जो है गलत गलत हो जाता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा को एक समान समझने लग जाता है। तो समानता गुणवत्ता के हिसाब से है, लेकिन अंतर क्या है? उनके निर्भरता के हिसाब से और अस्तित्व के हिसाब से अंतर है। तो जो आत्मा का अस्तित्व है वो ये है कि आत्मा परमात्मा पे निर्भर होता है, परमात्मा के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। जो परमात्मा होते हैं वो विभू होते हैं, विभू मतलब विशाल, ग्रेट जिसको बोलते हैं, और आत्मा जो होती है वो नगण्य होता है, अणु आत्मा होता है, वो फ्रैक्शन होता है, एक पार्ट होता है। इस बात को स्थापित किया जा रहा है इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं ने गीता का, जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आधे उपदेश दे रहे हैं, उस बात को स्थापित कर रहे हैं, अंतर को साफ साफ बता रहे हैं, और इसी बात की पुष्टि इस कथा उपनिषद में भी की जा रही है। तो इतना सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी जो ऐसे कुछ लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जिनको मायावादी बोला जाता है, वो लोग फिर भी लेकिन वर्ड जगलरी करे, शब्दों का हेर फेर करके वो इस बात ये चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच के डिफरेंस को नष्ट करना चाहते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, जबकि कोई भी कॉमन सेंस लॉजिक से ये समझ सकता है कि आत्मा परमात्मा में अंतर है। तो केवल इसीलिए जो शास्त्रों का ज्ञान होता है वो केवल शब्दों पे निर्भर नहीं होता है, वो साक्षात्कार अपना बुद्धि इस्तेमाल करके भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक है वो पढ़ाता है, सूर्य का हमने उदाहरण लिया कि सूर्य सूर्य की किरणें में ये समानता है, और उस वो केवल समानताओं के बारे में चर्चा करता है, तो उस वैज्ञानिक से सुन के जब कोई मान लीजिए विद्यार्थी है और वो इस निर्णय पे पहुंच जाए कि सूर्य सूर्य की किरणों में पूरी समानता है, आज मैं ये पढ़ के आया हूँ, देखिए इस चैप्टर में मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और ऐसे महान साइंटिस्ट ने बोला है कि सूर्य में जितना प्रकाश होता है और उसकी रोशनी में भी प्रकाश होता है, इसमें भी ऊष्मा होता है, इसमें भी ऊष्मा होता है, वो भी चमकता है, ये भी चमकता है, इसलिए सूर्य की किरणें और सूर्य समान हो गई। इस प्रकार से अगर कोई सोचे और अपना बुद्धि नहीं लगाए, ये ना समझे कि हालांकि समानता है, लेकिन फिर भी कोई भी छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि सूर्य की किरणें जब घर में प्रवेश करती है तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सूर्य सूर्य देवता आ चुके हैं, सूर्य का गोला तो आकाश में है, केवल सूर्य की किरणें आई है, तो इसका मतलब अंतर भी है। उसी प्रकार से जो ये तथाकथित दार्शनिक होते हैं, स्कॉलर होते हैं, जो केवल शास्त्रों के एक पार्ट को, एक एक ही चीज को पढ़ लेते हैं कि परमात्मा और आत्मा में समानता है, उन दोनों ही दैवी गुण, दोनों में ही आध्यात्मिक गुण है, दोनों ही सच्चिदानंद है और दोनों ही आध्यात्मिक स्तर पे हैं, इस बात को पढ़ के अब केवल ये कंक्लूजन निष्कर्ष देते हैं इसलिए आत्मा परमात्मा एक हो गया। तो ये उसी प्रकार से बचपना है, जिस प्रकार से कोई छोटा सा बच्चा केवल सूर्य सूर्य की किरणों को एक समान समझ के बोले कि सूर्य की किरणें आ गई तो मतलब सूर्य सूर्य देवता आ गए, तो इस प्रकार से गलत, इस गलत सिद्धांत को यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है इस श्लोक में इसका खंडन कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, द सेम ट्रूथ, द सेम वैदिक ट्रूथ गिवन टू अर्जुन इज गिवन टू ऑल पर्सन इन द वर्ल्ड who pose themselves as very learned but actually have but a poor fund of knowledge। यहाँ पे बुआ जी बता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास पुअर फंड ऑफ नॉलेज, फंड यानी ज्ञान का जो उनका बैलेंस है वो बहुत कम है, वो
इस प्रकार से किसी के अकाउंट में अगर बैलेंस कम रहेगा, पैसा कम रहेगा, तो जो असली वस्तु को नहीं खरीद सकता है। उसी प्रकार से ऐसे ऐसे लोग जो कि शास्त्रों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, जिनके पास ज्ञान का जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, बहुत लो है, कम है, तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और वो जो है आत्मा परमात्मा को एक जैसा समझने का मिस्टेक कर बैठते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान द लॉर्ड सेज क्लियरली दैट ही हिमसेल्फ अर्जुना एंड ऑल द किंग्स हु आर असेंबल्ड ऑन द बैटल फील्ड आर इटर्नली इंडिविजुअल बींग्स एंड दैट द लॉर्ड इज इटर्नली द मेंटेनर ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज बोथ इन दियर कंडीशन एंड इन दियर लिबरेटेड सिचुएशन। इसीलिए इस पुअर फंड ऑफ नॉलेज रखने वाले, यानी ये ज्ञान का भंडार की कमी रखने वाले व्यक्तियों को भगवान कृष्ण यहाँ पे ज्ञान दे करके ये समझाना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, कि भगवान खुद अर्जुन और जितने भी और जो राजा वहाँ पे उपस्थित हैं, अन्य अन्य ऐसे लाखों करोड़ों जो जीवात्माएं हैं, वो सब जो हैं इंडिविजुअल लिविंग बींग्स हैं। इंडिविजुअल लिविंग बींग्स मतलब सब कोई व्यक्तिगत आत्माएं हैं, कोई किसी में विलीन नहीं होता है, सबका आत्मा व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है, भूतकाल में भी था, प्रेजेंट वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी बना रहेगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हाँ, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि न चैवा न भविष्यामा, भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा अर्जुन कि कोई जीवात्माएं आत्माएं एक दूसरे से विलीन होके और एक बन जाए, सबका जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है, हर किसी का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो विलीन क्या होता है, ये शरीर में विलीन होता है, जो कि एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, तो जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, भौतिक पदार्थ, वो विलीन होता है ना। जैसे किसी का मृत्यु होता है तो शरीर को या तो जलाया जाता है, या तो दफनाया जाता है, या तो कई लोग होते हैं फेंक भी देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, या तो ऐसे दूसरे जानवरों को खाने के लिए फेंक देते हैं। तो ये तीनों स्थिति में शरीर का अंतिम परिणाम क्या होता है कि शरीर के जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये अपने अपने तत्वों में जाके विलीन हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत है कि मृत्यु के पश्चात तत्व विलीन हो जाते हैं, केवल भौतिक पदार्थ के लिए होता है, आत्मा नहीं विलीन होती है। आत्मा ये शरीर को छोड़ के फिर दूसरे शरीर में एज इट इज यथारूप प्रवेश करती है, वो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत स्वरूप बना के रखता है, और जब आत्मा मुक्त भी हो जाती है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। आध्यात्मिक होने के कारण आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो आत्मा एज इट इज एक व्यक्तिगत रूप में बनी रहती है, और ऐसी असंख्य आत्माएं होती हैं जो अपना व्यक्तिगत अस्तित्व बना के रखती है, कोई एक दूसरे में मर्ज नहीं होता है, विलीन नहीं होता है, ना परमात्मा में, ना तो कोई एक आत्मा दूसरे आत्मा में विलीन होता है। तो ये पूरी तरह से गलत सिद्धांत है, ये मिस कंसेप्शन है, जिसको भगवान कृष्ण यहाँ पे इस सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द सुप्रीम इंडिविजुअल पर्सन एंड अर्जुना द लॉर्ड इटर्नल एसोसिएट एंड ऑल द किंग्स असेंबल देयर आर इंडिविजुअल इटर्नल पर्सन्स। अब यहाँ पे ये तो बताए भगवान की हर कोई व्यक्तिगत सनातन व्यक्तिगत अस्तित्व बना के रखता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए व्यक्तिगत अस्तित्व हर जीवात्मा का और परमात्मा का बना रहता है। लेकिन अंतर क्या है कि जो भगवान है वो सुप्रीम यानी परम व्यक्तिगत है, सुप्रीम इंडिविजुअल पर्सन है, वो परम सुप्र व्यक्ति है, और बाकी जो आत्माएं हैं वो लोग भगवान पे निर्भर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बना के रखते हैं। भगवान मेंटेनर है और जो जीवात्मा है वो मेंटेन है, यानी भगवान पालक है और हम पालित हैं, भगवान पोषण करते हैं, हमारा पोषण होता है, हम निर्भर हैं और भगवान निर्भरता देते हैं, आश्रय देते हैं और हम आश्रय लेते हैं, ये अंतर हमेशा बना रहता है। इट इज नॉट दैट दे डिज नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल्स इन द पास्ट एंड इट इज नॉट दैट दे विल नॉट रिमेन इटरनल पर्सन। देयर इंडिविजुअलिटी एग्जिस्टेड इन द पास्ट एंड देयर इंडिविजुअलिटी विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर विदाउट इंटरप्शन, देयरफॉर देयर इज नो कॉज फॉर लैमेंटेशन फॉर एनीवन। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से कि हमेशा ये व्यक्तिगत स्थिति बनी रहती है। द मायावादी थ्योरी दैट आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल सेपरेटेड बाय द कवरिंग ऑफ माया और इल्यूजन विल मर्ज इन टू द इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड लूज इट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज नॉट सपोर्टेड हेयर इन बाय लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम अथॉरिटी। ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस श्लोक में जब भगवान बोलना चालू किए तो 11 नंबर श्लोक से, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कृष्ण वाचा नहीं लिख रहे हैं वेद व्यास जी, क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान वाचा। श्री भगवान जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन वाचा, संजय बोलते हैं तो संजय वाचा, धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र वाचा,
लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान वाचा। तो श्री भगवान वाचा बोलने का लिखने का क्या महत्व है कि आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं भगवान, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, वही परम सत्य है। उसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना बड़ा तपस्वी हो जाए, वो कुछ भी बोलेगा अगर भगवान के द्वारा बोले गए सिद्धांत के विपरीत है तो वो जो उसके द्वारा सिद्धांत दिया गया है वो गलत सिद्धांत। तो भगवान यहाँ पे श्री भगवान वाचा शब्द सूचित करता है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है उनका ये निर्णय है। तो भगवान कृष्ण का क्या निर्णय है वो मायने रखता है। इसलिए बड़े से बड़े मायावादी, सन्यासी, दार्शनिक, तपस्वी, हजारों हजारों साल तक तपस्या करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर कुछ गलत सिद्धांत बोलेंगे तो हमेशा गलत ही रहेगा। तो भगवान यहाँ पे पूरी तरह से ये जो मायावादी थ्योरी है, मायावाद का जो सिद्धांत है, इसका खंडन कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत से मुक्त होने के बाद कोई जीवात्मा जाके निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये पूर्ण रूप से गलत सिद्धांत है और इस बात का खंडन आगे आने वाले और भी श्लोक भगवान कृष्ण, जब आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आत्मा के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो भगवान कृष्ण बताएंगे वहाँ पे और डिटेल में कि किस प्रकार से जो भौतिक तत्व है, भौतिक पदार्थ है, और जो आध्यात्मिक तत्व है आत्मा, उनमें क्या उनके क्या लक्षण होते हैं। तो भौतिक तत्व जो होता है वो विलीन होता है अपने तत्वों में, लेकिन क्योंकि वो भौतिक शक्ति है भगवान की, लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व होते हैं, जीवात्माएं होती हैं, वो कभी विलीन नहीं होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है, दोनों डिफरेंस है। नॉर इज द थ्योरी दैट वी ओनली थिंक ऑफ इंडिविजुअलिटी इन द कंडीशन स्टेट सपोर्टेड हियर इन। कृष्ण क्लियरली सेज हियर इन दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो द इंडिविजुअलिटी ऑफ द लॉर्ड एंड अदर्स एज इट इज कंफर्म्ड इन द उपनिषद्स विल कंटिन्यू इटर्नली। क्योंकि दिस स्टेटमेंट ऑफ कृष्ण इज अथॉरिटेटिव बिकॉज कृष्ण कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू इल्यूजन। इफ इंडिविजुअलिटी वर नॉट अ फैक्ट देन कृष्ण वुड नॉट हैव स्ट्रेस्ड इट सो मच इवन फॉर द फ्यूचर। The Mayavadi may argue that the individuality spoken by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? ये थोड़ा सा और टेक्निकल है, हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे समझने का। यहाँ पे कोई मायावादी व्यक्ति, दार्शनिक जो है, ये तर्क कर सकता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे जो व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं कि हर जीवात्मा जो है उनका व्यक्तिगत अस्तित्व तो हमेशा बना रहता है, तो वो उस आत्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उसके शरीर के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा कोई आर्गुमेंट कर सकता है, लेकिन ये आर्गुमेंट गलत है क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे श्लोक में जो इंडिविजुअलिटी का वर्णन कर रहे हैं वो भौतिक स्तर, भौतिक शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि भौतिक शरीर का उपेक्षा पिछले श्लोक में भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी गतासून अगतासून स नानु सोचन्ति पंडिता। तो पहले ही भगवान कृष्ण बोल चुके हैं कि जो पंडित व्यक्ति होते हैं, जो असली बुद्धिमान होते हैं, वो भौतिक शरीर के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब भौतिक शरीर को ही सब कुछ नहीं मानते, मृत और जीवित में ज्यादा वो शोक नहीं करते। तो ये मटेरियल यानी भौतिक पदार्थ का वैसे ही भगवान कृष्ण उपेक्षा कर चुके हैं, इसलिए श्लोक में जो व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं तो आत्मा के बारे में कर रहे हैं, और भविष्य में भी वह व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है, तो भविष्य जो है मुक्ति के बाद का भी जो भविष्य है उसके बारे में भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और कृष्ण स्पेसिफिकली जब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो अपने खुद की भी इंडिविजुअलिटी को बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन, मैं तुम और जितने भी यहाँ पे राजा लोग हैं, सबके सब भूतकाल में भी व्यक्तिगत थे, अभी भी व्यक्तिगत हैं, और फ्यूचर भविष्य में भी अपना व्यक्तिगत अस्तित्व तो बना के रखेंगे। तो अगर ये भौतिक शरीर के लिए भगवान बोल रहे होते तो फिर अपने आप को उसमें नहीं इन्वॉल्व करते, क्योंकि भगवान कृष्ण का भौतिक शरीर नहीं होता है, भगवान कृष्ण का तो प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म है, सच्चिदानंद विग्रह है। इसका मतलब जब भगवान अपने बारे में भी बोल रहे हैं कि मैं खुद भी, तुम और ये सारे राजा पास्ट में, भूतकाल में भी इंडिविजुअल थे और फ्यूचर में भी इंडिविजुअल रहेंगे, तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, भौतिक शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक शरीर कृष्ण का होता नहीं। कृष्ण अफर्म्स हिज इंडिविजुअलिटी इन द पास्ट एंड कन्फर्म्स हिज इंडिविजुअलिटी इन द फ्यूचर ऑल्सो। ही हैज कन्फर्म्ड हिज इंडिविजुअलिटी इन मेनी वेज एंड इम्पर्सनल ब्रह्मन हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू हिम। कृष्ण हैज मेंटेन्ड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी ऑल अलोंग। इफ ही इज एक्सेप्टेड एज एन ऑर्डिनरी कंडीशन सोल इन
in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as a meditative scripture. A common man with all the four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. The Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on special grounds and is thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. It is clearly mentioned in many places in the Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are in place of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. The non-devotee's approach to the teachings of Gita is something like that of bee licking on a bottle of honey. One cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysticisms of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it, as it is stated in the fourth chapter of the book. Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi explanation of the Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by the Mayavadis and warns that one takes to such an understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and the Lord is an eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as above mentioned. इस प्रकार से थोड़ा टेक्निकल है, इस पे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. तो कुल मिला के एसेंस में ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है कि हर जो जीवात्मा है भगवान खुद भी भूत भविष्य में हमेशा जो है एक अपना व्यक्तिगत अस्तित्व बना के रखते हैं. कोई किसी में मर्ज नहीं होता है, विलीन नहीं होता है, हर किसी का व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है. उस प्रकार से इस गीता के श्लोक में चर्चा किया. हरे कृष्ण. आप इसे किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. भौतिक भौतिक लेयर मर्ज होता है, इंडिविजुअलिटी मर्ज नहीं होता है, तो वो कुछ थोड़ा सा अजीब लगा. भौतिक क्यों मर्ज होता है? क्योंकि भौतिक आफ्टर एनर्जी, डाइंग आर यू सेइंग दैट पंच महाभूत है वो अपने अपने एज में विलीन हो जाते हैं, ऐसे क्या? हाँ, उसका मतलब ये है तो जो शरीर है मटेरियल एनर्जी जो है. अच्छा, और व्हाट अबाउट माइंड ईगो एंड इंटेलिजेंस, इसका क्या हाँ, होता है? माइंड माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो जो होते हैं ये जब तक कंडीशन और बद्ध जीव रहता है तो उसके साथ इंडिविजुअल वो लोग रहते हैं, लेकिन ये भी एलिमेंट है, तत्व है. लेकिन जैसे ही कोई बद्ध जीव जब मुक्त हो जाता है तो इस भौतिक मन बुद्धि को छोड़ त्याग त्याग के वो जाता है जब इस संसार से, तो उसका जो भौतिक मन बुद्धि है वो भी अपने माइंड इंटेलिजेंस में विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है, क्योंकि ये भी भौतिक तत्व है. और इस प्रकार से एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन, जो कंप्लीट एनिहिलेशन होता है, प्रलय होता है, जब संपूर्ण प्रलय होता है तो उस समय पे ये सारे तत्व है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो सब मर्ज होके और एक सिंगल मटेरियल एलिमेंट बन जाते हैं जिसको महत्तत्व के नाम से जाना जाता है. और फिर वो महत्तत्व फाइनली प्रधान के रूप में भगवान महाविष्णु के शरीर में जाके निवास करता है. फिर फाइनल जब वापस से क्रिएशन होता है तो एक महत्व एक मटेरियल विद वन मटेरियल एलिमेंट भगवान कृष्ण फिर ट्रांसफॉर्मेशन करा के इस तरह से वापस से एट एलिमेंट्स अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड जीवों में वापस से उसको प्रकट करते हैं. और फिर वापस से शरीर दिया जाता है. और ये शरीर अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो भौतिक तत्व हैं ये इम्पर्सनल है, ये निराकार है, इनमें कोई पर्सनैलिटी नहीं. लेकिन जब जीवात्मा जब कंडीशन बनता है, जब आता है इस संसार में और ये भौतिक शरीर प्राप्त करता है, तो जीवात्मा क्योंकि पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए भौतिक तत्व से बना हुआ शरीर भी व्यक्ति के रूप में दिखता है. जिस प्रकार से जो कपड़ा होता है तो कपड़ा निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं है. लेकिन जब हम टेलर के पास जाते हैं और फिर हमारे शरीर का वो नाप लेता है तो हमारे शरीर का क्योंकि व्यक्ति है, हमारा शरीर जो है पर्सनल है, पर्सन है, तो इसलिए टेलर नाप जब उसी इम पर्सनल कपड़े का नाप बना के हमारा कुर्ता बनाता है तो वो व्यक्ति के जैसे दिखता है.
इसका मतलब जीवात्मा के उपस्थित होने के कारण ही भौतिक संसार में व्यक्तिगत स्थिति व्यक्त होती है, अन्यथा ये भौतिक संसार इम्पर्सनल है, निराकार है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो जीवात्मा है वही वास्तव में पर्सनल है, वो व्यक्तित है, व्यक्ति है, उसका व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है, वो निराकार कभी नहीं बनता है। तो ये इतना ज्यादा पर्सनल है कि इस भौतिक संसार में आके भौतिक शरीर ग्रहण करने पे भौतिक शरीर का भी पर्सनैलिटी दिखता है, इंडिविजुअलिटी दिखता है, ये इसका प्रभाव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रो, प्रभु जी पूछे आपने जल्दी जैसे अभी पूछे। बताया, आत्मा एक इंडिविजुअल है और शरीर एक इंडिविजुअल है, तो इसमें ये जो हमारे पंच इंद्रिय है उसका आत्मा के ऊपर इतना प्रभाव क्यों होता है? जैसे इंद्रिय एडवाइस करते वैसा क्योंकि वो क्यों? क्योंकि फॉल्स ईगो, मैं समझ गया आपका प्रश्न, फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार के कारण, क्योंकि जीवात्मा अपने ट्रू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूल जाता है और अपने आप को अपने आप की पहचान करता है इस भौतिक शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, इसलिए वो फंस जाता है, इसलिए भौतिक प्रकृति का उसके ऊपर क्या होता है, प्रभाव बना रहता है, ये कारण।